Hey guys, welcome back to my channel. So, आज की रेसिपी है पॉपकॉर्न चिकन. उसके लिए सबसे पहले आपको चिकन चाहिए. आप जितने भी क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं. मैंने 3 चिकन के पीसेस लिए थे बोनलेस. अब मैं उनको छोटे-छोटे क्यूब्स में काट लूँगी. नेक्स्ट फर्स्ट थिंग मेरे पास जो है वो है क्रिस्पी फ्राई का सैशे, पानी और बोनलेस चिकन क्यूब्स में कट किया हुआ और एक बाउल जिसमें मैरिनेट करेंगे हम इसे. तो सैशे में से 3 चम्मच हम जो उसका मिक्सचर है वो हम मैरिनेशन के लिए रख लेंगे और बाकी जो है वो हम ऊपर कोटिंग के लिए रख लेंगे. इसमें आपको थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाना है और इसको बिल्कुल एक स्मूथ सा मिक्सचर रेडी करना है. एकदम पानी नहीं डालना है तब, क्योंकि अगर एकदम हम पानी डाल देंगे तो हो सकता है कि मिक्सचर बहुत पतला हो जाए. सो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता करके पानी ऐड करना है. ये बिल्कुल राइट कंसिस्टेंसी है मिक्सचर की. अब हम इसमें अपना चिकन ऐड कर लेंगे. और इसे मैरिनेट करके फ्रिज में रख देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए. नेक्स्ट स्टेप है हमारा, वो है कोटिंग का. उसके लिए जो हमने मैरिनेट किया है चिकन वो. सो एक चिकन का पीस लेंगे हम, उसे जो पाउडर फॉर्म में मिक्सचर है उसमें कोट करेंगे. देन फिर हम अपने उस मिक्सचर में कोट करेंगे और फिर इसमें हमें 3 लेयर्स चाहिए क्रिस्प के लिए. इसी तरह हम बाकी पीसेस पे भी करते जाएंगे. अगर आप लोगों को ज़्यादा क्रिस्पी नहीं पसंद तो आप लोग एक ही दफ़ा कोट कर सकते हैं, आपको डबल करने की ज़रूरत नहीं है. लास्ट पार्ट जो है वो है फ्राइंग का. सो एक एक पीस को मैं कढ़ाई में डाल दूँगी. फ्लेम बहुत लो रखनी है ताकि चिकन के पीस अच्छी तरह से गल जाएं. फ्राइंग का इसका टाइम 10 से 15 मिनट्स है. अब ये हल्के हल्के ब्राउन होना स्टार्ट हो गए हैं. सो अब अफ्तारी के लिए बिल्कुल रेडी हैं. होप यू गाइस लाइक अवर रेसिपी. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.